नमस्कार, मैं हूं आपके साथ महक रंधावा। आप देख रहे हैं एएमआई न्यूज। खबरों की शुरुआत सबसे पहले हिमाचल से करेंगे। बता दें कि आम आदमी पार्टी में हिमाचल प्रदेश के प्रभारी और पंजाब के शिक्षा और भूसंज्ञान जल संसाधन के मंत्री हरजोत सिंह बैंस पहली बार हिमाचल दौरे पर और उन्होंने कई मुद्दों पर पलटवार कांग्रेस और भाजपा पर किया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी की सरकार जल्द ही आने वाली है और लोग जो हैं आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए तैयार बैठे हैं। वहीं उन्होंने कांग्रेस और भाजपा पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये दोनों पार्टियां अहंकार कर रही हैं, उसी तरह आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी जल्द ही इन दोनों पार्टियों का अहंकार तोड़ेगी। गुजरात हिमाचल में होगा भाजपा कांग्रेस का सुपड़ा साफ। उन्होंने कहा कि गुजरात और हिमाचल में भाजपा कांग्रेस दोनों ही पार्टियों का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। हिमाचल की जनता आम आदमी पार्टी को हिमाचल प्रदेश में मौका देने वाली है। हरजोत बैंस ने कहा कि हिमाचल की जनता आज तक जब भाजपा से धोखा खाती रही तो कांग्रेस को मौका देती थी और जब कांग्रेस से धोखा खाती थी तो भाजपा को मौका देती थी, लेकिन आज उनके पास एक मौका आम आदमी पार्टी को देने के लिए है और उसे वे देना भी चाहते हैं। और दो दिन के भीतर आम आदमी पार्टी करेगी अपने सभी उम्मीदवारों की सूची जारी। उन्होंने कहा कि देवभूमि की जनता के साथ दोनों ही पार्टियों ने हिमाचल में धोखा किया है। दोनों ही पार्टियों का अहंकार इन चुनावों में टूटने वाला है। हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में अभी तक सिर्फ आम आदमी पार्टी ही अपने 4 प्रत्याशी घोषित कर पाई है और दो दिन के भीतर पार्टी अपने सभी विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने जा रही है। हमारे 4 कैंडिडेट्स ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं, वो अभी तक किसी और पार्टी के नहीं हुए। अगले 2 के दिन के भीतर हमारे सारे प्रत्याशियों की लिस्ट हम अनाउंस कर देंगे और सारे प्रत्याशी जी जान से ये चुनाव लड़ेंगे। मैं आपको कह रहा हूँ, हमारा भी मजाक बनाते थे, कहते थे अच्छा ये कल के लड़के हमारे साथ लड़ेंगे, अच्छा देखना इनकी जमानतें जब्त होंगी। और मैं चाहता हूँ कांग्रेस और भाजपा इसी अहंकार में रहे और उनका अहंकार हिमाचल की जनता 8 दिसंबर को झेलेगी। और दूसरी बात ये भी है, आज ये दोनों पार्टियाँ, कांग्रेस, मुझे समझ नहीं आता, कांग्रेस देश का डूबता हुआ जहाज है। जिस पार्टी को यही नहीं पता उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना नहीं चाहता कोई, जिस पार्टी का जो चेहरा है जब हिमाचल में चुनाव हो रहे हैं वो आ ही नहीं रहे, वो साउथ में घूम रहे हैं, ना गुजरात जा रहे हैं ना हिमाचल जा रहे हैं और कहने को भारत जोड़ा। उसी तरीके से गुजरात में 110% आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, हिमाचल में 110% आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है और 2024 में देश एक नई राजनीतिक बदल देखेगा। राजनीति की एक नई क्रांति चल रही है, जिस क्रांति की शुरुआत दिल्ली से हुई थी, जब दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर विश्वास कर आम आदमी पार्टी की सरकार, और पिछले 7 सालों से जो काम दिल्ली में हुआ उसकी मिसाल 75 सालों में देश में कहीं और नहीं मिलती। और ठीक वैसा ही माहौल हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि आज तक हिमाचल की जनता दोनों पार्टियों को मौका देते रही, एक बार भाजपा को तो दूसरी बार कांग्रेस को। भाजपा धोखा देती थी तो कांग्रेस की तरफ रुख कर लेते थे, कांग्रेस से धोखा मिलता था तो भाजपा। दोनों पार्टियों ने इस देवभूमि के साथ धोखा किया है, इंसाफ नहीं किया कि ये दोनों पार्टियों का जो अहंकार है उसका जवाब हिमाचल देवभूमि की जनता 12 नवंबर को देगी। इस खबर में इतना ही। आप देखते रहें एएमआई न्यूज़।